राज्य तक का वोटिंग प्रतिशत अभी तक सामने आ गया है, वो वोट प्रतिशत हम आपको बता देते हैं जो कि सुबह 9 बजे तक पड़े हैं। शाजापुर की बात करें तो 12.05% अभी तक वोटकास्ट हुआ है। उन्नाव में 2.7% वोटिंग हुई है। सीतापुर में 14.06% मतदान हुआ है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुबह 9 बजे तक शाजापुर में 12% के करीब वोटिंग हुई है, उन्नाव में 13% और सीतापुर में 14% मतदान हुआ है। हालांकि सुबह वो वक्त होता है जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होती है और ऐसे में कई लोग घर से बाहर निकलते हैं वोट कास्ट करने के लिए। हालांकि दिन में धूप बहुत ज्यादा हो जाती है, तापमान बढ़ जाता है, जिसके चलते वोटिंग पर भी काफी ज्यादा असर उसका पड़ता है। उसके बाद भी शाम को फिर से वोट प्रतिशत बढ़ता है। तो अभी हम चर्चा ही कर रहे थे कि वोट परसेंटेज कब तक आता है। लीजिए, वोट परसेंटेज आ चुका है और आप देखेंगे बीते 3 चरणों के जो मतदान हुए हैं उनसे ही मिलता जुलता इस बार चौथे चरण का भी अब तक 9 बजे तक का 2 घंटे का वोट परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं। देखना अब ये जरूरी हो जाता है अमनदीप के शाम होते होते, वोटिंग होते होते जब तक आखिरी समय नहीं आता है, ये वोट परसेंटेज कितना तेजी से बढ़ता हुआ नजर आता है। हालांकि इस बार चौथे चरण के मतदान की जब आप बात करेंगे तो गर्मी कम है, कई जगहों पर तो बारिश भी हो रही है, तो ऐसे कह सकते हैं कि आज का मतदान बढ़ना बहुत जरूरी है, वो परसेंटेज बढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन ये शाम तक ही देखा जाएगा। आगे बढ़ते बता देते हैं अपने दर्शकों को कि कानपुर देहात में नेताओं में झड़प भी देखी गई है। बीजेपी के विधायक हैं पूनम संखवार, जिनसे झड़प हुई है। समाजवादी पार्टी के नेता के साथ झड़प का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाला गया जो कि वायरल हो गया है। ककवन से समस्तपुर न्यूराज में तो ये झड़प की भी अब जानकारी मिल रही है, जिसका ये वीडियो जो आपको दिखा रहे हैं हम सोशल मीडिया पर, ये वीडियो वायरल हो रखा है। चौथे चरण का मतदान चल रहा है, रण जारी है, लेकिन इस बीच एक तरफ ईवीएम की गड़बड़ियों की खबर और दूसरी तरफ अब ये जो प्रत्याशी हैं ये आपस में झड़प करते हुए भी नजर आ रहे हैं। हरदोई से भी बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर मतदान का बहिष्कार किया गया है। सड़क न बनने से मतदान बहिष्कार की जानकारी मिल रही है। पोलिंग बूथ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। तड़ियावा के लालपुर भैंसारी में मतदान का बहिष्कार किया गया, सड़क नहीं बनी है, जिसको लेकर लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है, आक्रोशित देखे जा रहे हैं, जिसके चलते लोग मतदान नहीं कर रहे हैं। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा तो हुए लेकिन मतदान करने के लिए नहीं पहुंचे। उनका कहना है कि सड़क नहीं हुई है और जो जरूरी सुविधा है, मूलभूत सुविधाएं हैं, वो उन तक नहीं पहुंच पाई है, जिसको लेकर गुस्सा बहुत ज्यादा है और ये अपना गुस्से का इजहार कुछ इस तरह से कर रहे हैं कि आज मतदान नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये चर्चा का एक विषय बन सकता है, इस पर जरूर अपने मेहमानों से हम चर्चा करेंगे कि बीजेपी, ये वो सीटें हैं जो बीजेपी ने पिछली बार बड़े मार्जिन से जीती है, लेकिन यहाँ पर लोगों की नाराजगी भी है। लेकिन एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं जो कि इटावा से आ रही है, जहां पर ईवीएम बदली गई है। इटावा में ईवीएम बदली गई है, केके डिग्री कॉलेज बूथ पर ईवीएम बदली गई है। करीब 1 घंटे यहां पर मतदान जो है वो रुका रहा था, नई ईवीएम लगाने के बाद अब मतदान शुरू हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, लगातार आप देख रहे हैं जहां जहां पर ईवीएम में गड़बड़ियां आ रही हैं उनको समय रहते दुरुस्त भी कर लिया जा रहा है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि आज बारिश का माहौल बना हुआ है, मौसम बना हुआ है, कई पोलिंग बूथ पर, कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर बारिश भी हुई है, जिससे भी वोट जो है प्रभावित हुआ है। बारिश इतनी प्रचंड और तूफान इतना तेज कि पोलिंग बूथ पर जाने में भी लोगों को दिक्कत हो रही है। और शाजापुर से भी एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर मतदान का बहिष्कार किया गया है, आवारा पशुओं को लेकर चुनाव का बहिष्कार किया गया है। थाना बंडा के गांव कंचनपुर की ये घटना सामने आई है, जहां पर लोग वोटिंग करने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। कंधरपुर है, माफ कीजिएगा, जहां पर लोग वोट कास्ट नहीं करने पहुंच रहे हैं। हालांकि यूपी की एक बड़ी समस्या रही है आवारा पशु, जिसको लेकर विधानसभा इलेक्शन में भी ये मुद्दा उठाया गया था और अब लोकसभा चुनाव में भी लोग काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं और मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। मतदान के बीच में आने वाली ये बड़ी खबरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। उन्नाव से भी अमनदीप एक बड़ी जानकारी मिल रही है जो अपने दर्शकों तक पहुंचानी बहुत जरूरी है। उन्नाव में मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं लोग, पोल्ट्री फार्म को लेकर ग्रामीण जो हैं वो नाराज हैं। 2 घंटे से यहां पर एक भी वोट नहीं पड़ा है। रुद्वारा गांव में मतदान बहिष्कार लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। और उन्नाव से ही एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर
बारह बुजुर्गों में मतदान का बहिष्कार किया गया है। गांव में गौशाला ना बनने से ग्रामीण नाराज है। अभी तक एक भी वोट नहीं पड़ा है और प्रशासन ग्रामीणों को समझाने में जुटा हुआ है। हम भी आपसे यही अपील कर रहे हैं कि अगर आपकी नाराजगी भी है तो भी आप वोट जरूर कास्ट कीजिए, लेकिन इस तरह से बहिष्कार करना ये रिजल्ट पर भी काफी हद तक असर डाल सकता है। तो एक बड़ी खबर तो आपको बता रहे हैं से साक्षी महाराज जो है जीत की हैट्रिक लगाएंगे, ये अब बड़ा सवाल बन जाता है, क्योंकि लगातार जो हमने बड़ी खबरें बताई हैं, बड़ी अपडेट्स दिए हैं, उन्नाव से ही हम देख रहे हैं कि लोगों की नाराजगी भी है, वोट का बहिष्कार भी कर रहे हैं।